सोमवार शाम को चलती बाइक पर बंदर कूदने से एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति को उपचार के लिए रवाना किया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दिग्रस शहर में आतंक मचाने वाले बंदर को पकड़े जाने की खबर को जारी हुए अभी 24 घंटे भी बीते ही नहीं थे कि इधर सोमवार की दोपहर को एक बंदर के कारण दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के गंभीर रूप से जख्मी होने की घटना सामने आई है। बंदरों के आतंक से दिग्रसवासी परेशान थे। ऐसे में सूत्रों के अनुसार सोमवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच कलगांव से दिग्रस की ओर अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे आर्नी निवासी सैयद अंसार पानवाले नामक व्यक्ति की चलती बाइक पर एक बंदर ने छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब बंदरों का एक झुंड रास्ता पार कर रहा था। ऐसे में एक बंदर के अचानक बाइक पर कूदने से संतुलन बिगड़ने से सैयद अंसार और उनकी पत्नी सड़क के दूसरी छोर पर जा गिरे। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में सैयद अंसार के हाथों और पैरों के साथ ही सर में काफी गंभीर चोट आई है। उनकी पत्नी भी इस दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हुई है। टुपटाकली गांव के करीब में घटित इस दुर्घटना के चश्मदीदों ने सैयद अंसार को एम्बुलेंस से तत्काल दिग्रस के ग्रामीण अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन पर प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया आरम्भ की। ऐसे में वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र असवार ने ग्रामीण अस्पताल पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त सैयद अंसार की जांच की, जिसके बाद जख्मी सैयद अंसार की गंभीर स्थिति को देखते हुए अत्यावश्यक उपचार के लिए उन्हें एम्बुलेंस से यवतमाल के सरकारी वैद्यकीय अस्पताल की ओर रवाना किया गया। खबर लिखे जाने तक सूत्रों के अनुसार इस सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हुए सैयद अंसार की हालत गंभीर बताई गई, जबकि यवतमाल के सरकारी अस्पताल में पहुंचते ही उपचार प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। गौरतलब है कि बीते रविवार को ही दिग्रस वन विभाग ने पुसद की रैपिड रेस्क्यू यूनिट की मदद से दिग्रस शहर में आतंक मचा रहे हमलावर बंदर को पकड़कर शहरवासियों को निजात दिलाई थी। बीते 2 सप्ताह के भीतर उपद्रवी बंदर ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था। बहरहाल सोमवार को घटित इस सड़क दुर्घटना के बाद एक बार फिर वन विभाग को आम राहगीरों और नागरिकों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके बंदरों से छुटकारा दिलाने पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, ताकि बंदरों के कारण घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को जान और माल का नुकसान ना उठाना पड़े। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।